अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को वेलकम। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब यहाँ पर अपनी रूटीन का आगाज़ मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर जी मॉर्निंग टाइम है, सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं और फजर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और अपनी रूटीन का आगाज़ करने लगी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आज की रूटीन भी आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों का लाइक हमारे लिए प्यार होता है, इससे जी हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है कि आप लोग हमें लाइक करते हैं हम अगर अपनी रूटीन्स वगैरह शेयर करते हैं। और न्यू आने वालों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी बहन की कि प्लीज़ 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 मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए, और ताकि मैं इस पेज पर मैं भी और बहनों की तरह कामयाब हो जाऊँ। अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाऊँगी। तो जनाब अपनी रूटीन का आगाज़ हम कर चुके हैं और न्यू आने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। इससे ये होगा कि एक तो आपको मेरी रूटीन से आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, और दूसरा ये कि इस तरह से मेरी सपोर्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ साथ दीजिए। तो जनाब यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़कर तो फिर जी तस्बीह वगैरह की और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई। किचन में नाश्ता वगैरह रेडी किया, तकरीबन 7 बज रहे थे सुबह के, और रैन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। तो उसके बाद जी साथ साथ मैं फिर लंच बॉक्स भी बच्चों का तैयार करना होता है और हुरैन को भी मैंने खुद ही तैयार करना होता है क्योंकि हुरैन अभी छोटी है। तो उसको फेस वॉश करवाओ, ब्रश करवाओ, उसके बाद उसके बाल बनाओ, यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, इस तरह से ना। तो फिर इसी तरह से करते कराते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। जब तक बच्चे ना चले जाएँ ना तब तक घर में एक सुकून सा ठहराव सा नहीं आता है। तो यहाँ पर जी हुरैन का आज लंच में मैंने बनाया था लंच बॉक्स में जी, इसको मैंने आज दिया था सैंडविच दिया था और एप्पल्स काट दिया था मैंने उसे। और हुरैन जो है वो स्कूल जा चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद जी फिर मेरा ये होता है कि ये टाइम इस तरह का होता है कि बिल्कुल सन्नाटा होता है। फिर जी हम अपने रब की इबादत बड़े सुकून और पुरसकून तरीके से कर सकते हैं, कोई आने जाने वाला नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो इसलिए सोचा कि मैं कुरान पाक की इबादत कर लूं, क्योंकि मैं इसी टाइम करती हूं ज़्यादातर। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल फ्री हूं ताकि मुझे कोई भी काम ना हो, ताकि पुरसकून तरीके से ना मैं कुरान पाक पढ़ सकूँ। तो यही टाइम कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ा आराम किया, उसके बाद जी फिर वही हम ख़वातीन की रूटीन्स के घर के काम काज। तो सफाई जो है वो ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ। रमज़ान में जब ज़्यादा काम होता है या मेहमान वगैरह आते हैं ना तो फिर मैं काम वाली बुला लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरी आदत यही है कि हम लोग खुद ही घर का काम करते हैं। तो इससे ये होता है कि बंदा ना एक तरीके से सफाई कर लेता है तो कोई मसला नहीं होता है कि यहाँ से सफाई नहीं हुई, वहाँ से सफाई नहीं हुई। तो यहाँ पर ना रोज़ के रोज़ हम घर को अच्छे से क्लीन करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा मतलब दिल और दिमाग बस वो होता है ना कि बस अच्छे से सफाई हो गई है तो मुतमईन से रहते हैं हम लोग। तो इसलिए जी मुझे खुद ही आदत है सफाई करने की। यहाँ पर जी तकरीबन सफाई मेरी जो है ना वो कंप्लीट होने वाली है। झाड़ू वगैरह लगा लिया था, डस्टिंग भी कर ली थी, किचन भी तकरीबन समेट लिया था और बस आखिरी मराहल पर था कि पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जितना मौसम पिछले दिनों में अच्छा बता रही थी आप लोगों को, इन दिनों उतना ही ज़्यादा गर्मी है। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। यहाँ पर जी घर की सफाई हो चुकी, तकरीबन कम्प्लीटली सारे काम हो चुके हैं। अब जी हम चलेंगे किचन में। किचन में जी आज हुरैन लोगों की फरमाइश थी कि मामा चीज़ बॉल बनाइएगा, तो आज बस फिर मैं वही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन सफाई सफाई का काम तो कम्प्लीट हो चुका है। अब जी चलते हैं किचन में क्योंकि बच्चों के स्कूल के आने का भी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जी चिकन जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था और साथ में जी मैंने दूध रखा हुआ था क्योंकि हुरैन जो है ना उसे आदत है फ़ौरन से जब स्कूल से आते हैं ना बच्चे तो फिर वो दूध या शरबत कुछ भी पीते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि दूध गर्म कर लेती हूँ। हुरैन वैसे भी दूध वाली बिल्ली है, दूध की बहुत शौकीन है। तो यहाँ पर जी इसके लिए बस दूध ही निकाल के रख रही थी और बस ठंडा हो जाएगा तो फिर वो आकर पी लेगी। और हम जी साथ साथ अपने खाने का वो कर रहे हैं तो मैंने जी मसाले निकाल कर रख लिए हैं। तो अभी यहाँ पर जी मैं अभी ये सब्ज़ियाँ वगैरह काट लूँगी, टमाटर और ये शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्चें।
चीज़ बॉल्स में बना रही हूँ जो कि बड़े मज़े के बनते हैं। आप ये हर तरह के बनते हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। तो मैं जी इस तरह से बनाती हूँ कि मैंने जो मसाला है ना इसे काट कर हल्के से ऑयल में काली मिर्च डाल के इसे फ्राई कर लेना है, और नमक जो है ना वो थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि चीज़ में होता है। और इसे हल्का सा मैं भून लूँगी, और भून लेने के बाद जो मैंने चिकन बॉयल किया हुआ था मैंने इसके रेशे बना लेने, और फिर जी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये मसाला जी तकरीबन रेडी हो चुका है, और बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक जी बच्चे भी आ चुके हैं बस स्कूल से, और ये जी आप ही ने भेजा था हलवा, गाजर का हलवा, जो कि बड़ा ही मज़े का था, बहुत ही मज़ेदार सा बना हुआ था। तो बस जी उसी को इन्जॉय किया जा रहा है, और हुरैन भी आ चुकी थी स्कूल से, उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए, फ्रेश करवाया, उसके बाद जी वो अपना बैठी हुई है और वेट कर रही है कि मामा जल्दी से बॉल्स बना लें, चीज़ बॉल बना लें, क्योंकि उसके बड़े फेवरेट हैं ये। तो बस जी अब मैं वही बनाने लगी हूँ। यहाँ पर रैन जो है वो दूध पी रही है, और दूध वाली बिल्ली जो है दूध के साथ लगी हुई है। तो बस जी फिर हम आ जाते हैं दोबारा से किचन में। किचन में जी आकर मैंने अपने जो हैं बॉल्स बनाने हैं जो मैंने, इसलिए मैं पहले ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जी मैं साथ साथ जो है वो बॉल्स जो हैं वो बनाती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और बहुत इजी हैं, आप जैसे भी बनाना चाहें ना अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, इसे जिस अंदाज़ में बनाना चाहें, इसमें जो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उतने ही लजीज और मज़े के बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स घर पर ही मैंने बना लिए थे, तो अब बस ये बॉल्स बनाती जाऊँगी और ब्रेड क्रम्स के साथ ना इसे के ऊपर लगाती जाऊंगी और इसे फ्राई करूंगी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार से बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में ये आए दिन बनते हैं, इसलिए बच्चों की फेवरेट है ये, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, मुझे खुद जब ना कुछ भी समझ में आ रहा हो तो फिर बस ये बना लेती हूँ। तो जनाब यहीं तक थी मेरी आज की रूटीन, उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेरी आज की रूटीन भी पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे इस पेज पर, ताकि मैं भी कामयाब हो सकूँ और महंगाई के इस दौर में ना थोड़ा सा महंगाई को मुंह दे सकूं। तो सो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।